Can we have a word with you? आज भाइयों की वजह से मैं क्रिकेट खेल सकी। पीटर भैया, आनंद भैया, सत्या भैया, आप सबका बहुत शुक्रिया। और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ टिक कर खेल पाई वो है मेरे कोच नेल्सन सर, आपका शुक्रिया। मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में एक पिता रहता है, उनका नाम है मंजूनाथ। अपनी पत्नी और अपनी बेटी के अलावा उन्हें दो ही चीजों से प्यार है, एक है क्रिकेट और दूसरा अपनी जमीन पर फसल उगाना। एक समय आया जब ये दोनों चीजें उनके लिए लगभग खत्म हो चुकी थी, तब गांगुली सर ने क्रिकेट को दोबारा उनके लिए जीवित किया। गांगुली सर के बाद धोनी सर ने, उनके बाद कोहली सर ने, और फिर उस पिता की बेटी ने क्रिकेट को फिर से उनके लिए जीवित किया। पर जब मंजूनाथ अपनी रोजी रोटी को नहीं बचा सके तो कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ना तो मंजूनाथ अपनी रोजी रोटी बचा सके और ना ही वो अपना घर बचा सके। अब वो जिंदगी से लड़ते लड़ते हार मान चुके हैं। मैंने क्रिकेट को पहली बार बाबा की आंखों से देखा था। मैं आज क्रिकेट खेल रही हूं और मेरे बाबा मैच सड़क पर देख रहे हैं। इस वक्त जब पूरा देश खुशियां मना रहा है, मेरा परिवार दुख झेल रहा है, इसलिए मुझे इस जीत की खुशी नहीं। मेरे बाबा ने आपके बैंक से कर्जा लिया था, ये नहीं जानती कि कितनी रकम थी, पर इतना जानती हूँ कि इन पैसों से वो रकम चुकाई जा सकती है। आप इन पैसों को रख लीजिए और मेरे बाबा का घर लौटा दीजिए। जब हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो हम बनाने वाले की तारीफ करते हैं, पर उस किसान का नहीं सोचते जिसने वो फसल उगाई। ये कहना क्या चाहती है सर? हमें खेल तमाशा देखने की इतनी आदत हो गई है कि किसानों की जिंदगी भी हमें खेल और तमाशा ही लगने लगी है। जब इस देश में एक किसान अपनी हिम्मत हारता है तो सिर्फ उसकी हार नहीं होती, उन सबकी होती है जो भूख लगने पर उसका दिया खाते हैं। हम 11 लोग यहाँ इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं, लेकिन उन गरीब किसानों को जिताने के लिए कोई टीम है क्या? जय हिंद। शाबाश।